तो भाई देखो, बात कुछ ऐसी है कि मेरा जो सारे दिन काम होता है ना, वो यही होता है कि मैं नए नए गेम्स ढूंढूं, नए नए गेम्स आपको दिखाऊं। एंड इस चक्कर के अंदर कई बार मुझे ऐसे गेम्स मिल जाते हैं भाई, जिनके बारे में मैं बात करे बिना रह ही नहीं सकता। लाइक रिसेंटली मैंने एक ऐसा गेम खेला जिसको खेल के मुझे ऐसा लगा कि भाई ये गेम इतने साल से था कहाँ पे, क्योंकि यार ये जो गेम था ना, इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो कि आज के गेम्स के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। अब वो क्या चीज है उसके बारे में तो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं और भी तगड़ी तगड़ी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करना। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर अपन जिस गेम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कॉल ऑफ ऑरेज बाउंड इन ब्लड। ये जो गेम है ना गाइस, वो 2009 के अंदर रिलीज हुआ था, मतलब कि आज से ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड अगो। लेकिन फिर भी गाइस, जब इस गेम को मैंने पहली बार खेला ना, तो भाई मुझे बहुत ही बढ़िया गेम लगा ये। इवन तो यार ये जो गेम है ना, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं इस गेम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार इस गेम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। लाइक एक तो ये जो गेम है ना, वो RDR वाली फीलिंग देगा आपको। RDR वाली फीलिंग से मेरा मतलब ये है कि इस गेम का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है RDR के। एंड ऐसा होना ऑब्वियस है, क्योंकि यार ये दोनों गेम ही 18th सेंचुरी के अंदर सेट है। एंड अगर आपको वेस्टर्न शूटर्स पसंद है ना, जो कि 18th सेंचुरी के अंदर सेट हो, तो भाई ये गेम आपके लिए बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल होने वाला है। एंड अब मैंने एंजॉयबल बोला तो इसका मतलब ये मत समझना कि ये RDR के सिमिलर है इसलिए एंजॉयबल होने वाला है। जी नहीं, इस गेम का जो मिशन स्ट्रक्चर है ना भाई, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एंड ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार आजकल आपने देखा होगा कि गेम्स के अंदर क्या होता है, मिशन तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी जो फीलिंग होती है ना खेलने वाली, वो अलग नहीं होती। लेकिन इस गेम के अंदर आपको हर एक मिशन के साथ अलग वाइब देखने को मिलेगी। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यार इस गेम के जो मिशन है ना, वो रिपीटेटिव बिल्कुल भी नहीं है। हर एक मिशन आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा। लाइक कोई मिशन कौन सी जगह पे सेट है, किसी मिशन के अंदर आपको क्या नया देखने को मिलेगा, मतलब हर एक मिशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ही। एंड कुछ नया देखने के चक्कर में ही आप इस गेम से एंगेज्ड ही रहोगे। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यार जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है एंड वो नई चीज देखने के लिए हमेशा उतावला रहता है। एंड इस गेम के अंदर हर मिशन के अंदर आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपका जो मन है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेगा कि अगले मिशन के अंदर क्या होगा। अब देखो यार, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं गेम्स तो इंस्टॉल कर लेता हूं, लेकिन उन गेम्स को मैं बहुत ही धीरे धीरे खेलता हूं। लाइक कई बार तो एक महीना लग जाता है कंप्लीट करने में, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार उन गेम्स के अंदर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलता, जो कि मेरे दिमाग की क्यूरियोसिटी को जगा दे कि आगे क्या होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, धिमका होगा। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी मैं खेल लेता हूं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये गेम मैं 2-3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करने वाला हूं। क्योंकि ये जो गेम्स है ना, जिनको मैं 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं, उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो गेम प्ले होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग होता है। अब देखो यार, मैं गेम प्ले बोल रहा हूं तो ये मत सोचना कि मैं गन प्ले की बात कर रहा हूं या जो नॉर्मल गेम प्ले होता है उसकी बात कर रहा हूं। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूं गेम के मिशन स्ट्रक्चर की, गेम का जो ओवरऑल गेम प्ले है वो कैसा है, उन सब चीजों की। तो जो कॉल ऑफ ऑरेज है ना, वो मेरी लिस्ट में तो मतलब जो टॉप गेम्स है ना गेम प्ले के मामले में, उनके अंदर स्टैंड करता है। क्योंकि यार इस गेम ने मुझे एक बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले। बाकी अगर गन प्ले मैकेनिक्स की मैं बात करूं, तो इसके जो गन प्ले मैकेनिक्स है ना भाई, वो भी बहुत बढ़िया है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बहुत ही ज्यादा पुराना गेम खेल रहे हो। अब अगर आप मॉडर्न गेम से कंपेयर करोगे इस गेम के गन प्ले मैकेनिक्स को, तो ऑब्वियसली आपको बुरे लगेंगे ही। बट अगर आप इस गेम को उसके टाइम के गेम से कंपेयर करोगे, तो आपको इस गेम के जो गन प्ले मैकेनिक्स है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगेंगे। हाँ, एक चीज जो मैंने इस गेम के अंदर नोटिस की वो ये थी कि इस गेम के अंदर जब आप गन्स को होल्ड करते हो ना, तो वो आपको बिल्कुल ही वेटलेस लगती है। लाइक वो फीलिंग होती है ना कि अपन ने गेम के अंदर कितना भारी वेपन उठा रखा है, वो वाली फीलिंग इस गेम के अंदर मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली। एंड यही सेम चीज मैंने हॉर्स राइडिंग के टाइम नोटिस की, मतलब जो हॉर्स राइडिंग है ना, वो भी वेटलेस ही लगती है। तो हाँ, इन दो चीजों के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, वो इतना खास नहीं रहा, लेकिन भाई इस गेम के जो विजुअल्स है ना, उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया। अब देखो यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आप लोगों को कैसे विजुअल्स पसंद होते हैं, आपका ग्राफिक्स के मामले में टेस्ट कैसा है, बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये गेम जब रिलीज हुआ था ना, तो उस टाइम के अंदर आई एम श्योर कि ये गेम बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस रहा होगा। क्योंकि यार इस गेम के अंदर जो लेवल डिजाइनिंग का वर्क है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। साथ ही में इस गेम के अंदर जो लाइटिंग वगैरह इनका वर्क है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर मैं बात करूं डिटेलिंग की, तो भाई इस गेम के अंदर डिटेलिंग की भी कमी नहीं है। आप अगर विंडोज वगैरह इनको तोड़ोगे ना, तो बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से इस गेम की जो विंडोज वगैरह ये है ना, वो टूटती है। आप जो हॉर्स वगैरह ये है ना, उनको भी मार सकते हो। जो रिवर्स वगैरह ये है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। एंड और भी बहुत कुछ है जिनके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। साथ ही में यार इस गेम के जो विजुअल इफेक्ट्स है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया है। लाइक जो गन फायर के इफेक्ट्स होते हैं, वेदर इफेक्ट्स होते हैं, एंड मतलब जितने भी जो इफेक्ट्स वगैरह ये होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए गए हैं।
अब कई लोग ये सोचेंगे कि भाई तू ग्राफिक्स के बारे में बात क्यों कर रहा है। तो देखो यार, बात कुछ ऐसी है कि जब भी मैं कोई आपको गेम रिकमेंड करता हूँ ना, तो मुझे सारी चीजें देखनी पड़ती है कि वो गेम खेलने लायक है भी या नहीं। क्योंकि यार आजकल जो मॉनिटर्स वगैरह ये है, जो सिस्टम्स वगैरह ये है ना, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए एंड उनके ऊपर जो पुराने गेम्स है ना, वो इतने अच्छे नहीं लगते। एंड इसीलिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसके अंदर विजुअल्स का पार्ट मैं अलग ही रखता हूँ, ताकि जो गेमर है ना, उसको पता चल जाए कि इस गेम के जो ग्राफिक्स है ना, वो आज के लायक है या नहीं। बाकी यार ये जो गेम है ना, कॉल ऑफ ऑरेज, इस गेम की जो साइज है ना, वो 3 GB है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ये आपको प्रोवाइड करवाएगा ना भाई, वो 3 GB क्या, वो 300 GB के गेम में भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको मैं शुरू में बता ही चुका कि इस गेम का जो मिशन स्ट्रक्चर है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है। इस गेम का जो गेम प्ले है ना, वो भी बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में इस गेम के जो ग्राफिक्स है ना, वो भी आज के टाइम तक होल्ड करते हैं, मतलब आपको इतना ज्यादा पुराना भी नहीं लगेगा। बाकी अगर बात करें स्टोरी लाइन की, तो देखो यार सीन कुछ ऐसा है कि इस गेम को मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, अभी तो 5 या 6 मिशन बाकी है। तो सबको कंप्लीट करने के बाद मैं स्टोरी लाइन के बारे में बात करूंगा इस गेम के रिव्यू के अंदर। ये जो वीडियो थी ना गाइस, इस वीडियो के अंदर तो मैंने अपने ओपिनियन शेयर किए हैं कि मुझे कैसा क्या लगा, गेम के अंदर क्या क्या चीजें हैं एंड छोटी मोटी यही चीजें शेयर की है। बाकी जो रिव्यू वीडियो होगा ना, उसके अंदर अपन हर एक चीज को कवर करेंगे, तो रिव्यू वीडियो का वेट जरूर से करना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, अगर आपने ये गेम खेला है तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। एंड अगर आपने गेम नहीं खेला तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये गेम आप जरूर से ट्राई करना। ये 150 रुपए का आपको स्टीम के ऊपर देखने को मिल जाएगा जब सेल वगैरह ये आती है तब। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।